खबर आ रही है, मुख्य आरोपी जफर हाशमी की पेशी टल गई है। आज पेशी होनी थी जो टल गई है। हाशमी समेत चार आरोपियों की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी। कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होने की वजह से पेशी टली है। गुरुवार को पुलिस रिमांड के कागजों के साथ होगी पेशी। हाशमी समेत चार आरोपियों की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी। हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात जफर हाशमी, कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होने की वजह से पेशी टली है। मुख्य आरोपी जफर हाशमी की पेशी जो है वो टल गई है। हाशमी समेत चार आरोपियों की कोर्ट में नहीं हो सकी पेशी। कागजी कार्यवाही पूरी नहीं होने की वजह से पेशी को टाला गया है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता अमन तिवारी जुड़ गए हैं कानपुर से। अमन, ऐसी कौन सी कागजी कार्यवाही है जिसकी वजह से पेशी को टाला गया है, आपसे जानना चाहेंगे। अमन, क्या आपको हमारी आवाज आ रही है? वापस अमन से जुड़ने की हम कोशिश करेंगे। तो कानपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की पेशी होनी थी जो टल गई है। कागजी कार्यवाही पूरी ना होने का हवाला दिया जा रहा है। हाशमी समेत चार आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी थी जो फिलहाल टाल दी गई है। कानपुर हिंसा का मुख्य आरोपी है हयात जफर हाशमी। हयात जफर हाशमी पर पीएफआई से संबंध होने का आरोप भी है। हमारे संवाददाता कानपुर से अमन तिवारी जुड़ गए। अमन, ऐसी कौन सी कागजी कार्रवाई जिसकी वजह से पेशी टाली गई? चलो मैं आपको बता दूं, आज कानपुर पुलिस के द्वारा कानपुर कोर्ट में एक एप्लीकेशन देनी थी जो हयात और उसके तीन साथियों को दो दिन के रिमांड के लिए पुलिस ने एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आज वो इनकी पेशी भी होनी थी और पुलिस चूंकि यहाँ पर जो अधिकारी है वो कोर्ट नहीं पहुंच पाए क्योंकि कुछ फॉर्मेलिटीज ऐसी थी जो पूरी नहीं हो पाई, जिसकी वजह से आज हयात और उसके तीन साथियों की यहाँ पर पेशी नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस अब जो अब कल फिर से एक एप्लीकेशन देगी और तीनों जो चारों आरोपी हैं उनकी पेशी की यहाँ मांग करेगी। जी तो अमन, ये माने कि अब पेशी जो है वो कल के लिए टाल दी गई या फिर उसके आगे के लिए? जी चलें, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, चूंकि पैरामिलिट्री की जो फोर्स थी आरएएस की टीम में थी वो यहां पर करीब तीन घंटे पहले लगाई गई थी, लेकिन कानपुर पुलिस की जो फॉर्मेलिटीज थी, कागजों की कार्रवाई थी वो पूरी नहीं हो पाई थी। तो ये बात बिल्कुल श्योर है कि आज अगर पेशी नहीं हो पाई है, आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया गया है, तो यही आरोपी कल सुबह जो है पुलिस कानपुर कोर्ट लेकर पहुंचेगी और करीब ये माना जा रहा है कि 48 घंटे की रिमांड मांगी जा रही है। जी अमन, इसके अलावा अब हाशमी के ऊपर कुछ और सबूत भी मिले हैं पुलिस को। कहा जा रहा है विदेशों से फंडिंग हुई है, उसके खातों को खंगाला गया है, उसमें काफी बड़ा एक ट्रांजैक्शन नजर आ रहा है। क्या ये एक बड़ी वजह है जो पेशी टाली गई है? अमन, सर बड़ा सवाल है, मैं आपको बता दूं क्योंकि पीएफआई से जो कनेक्शंस की बात सामने आ रही थी उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। भारी फंडिंग भी हुई है लेकिन कितना ट्रांजेक्शन अभी तक हुआ है ये पुलिस जो है मीडिया को नहीं बता पा रही है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसीलिए ये भी एक कारण हो सकता है कि पेशी नहीं हो पाई है, कुछ कागजी कार्रवाई जो थी वो रुक गई थी, इस वजह से नहीं हो पाई। हालांकि पुलिस जो है कल हर हालत में हयात और उसके साथियों को रिमांड पर लेगी, जिससे कुछ अहम खुलासे हो सकते हैं, इस बारे में जो है बातचीत पुलिस करने वाली है। अमन, ये माने कि पुलिस की कोशिश है कि खूब सारे ठोस सबूत जो है इनके खिलाफ, जो ज्यादा से ज्यादा चीजें हम इंक्लूड कर पाए, उसके बाद हम कोर्ट में पेश हों। जी सरेन, बिल्कुल
बिल्कुल बड़ा सवाल है। मैं आपको बता दूं, जो कागजी कार्रवाई है वो ज्यादा से ज्यादा दस्तावेज जो है वो हयात के खिलाफ जुटाए जा रहे हैं। जो व्हाट्सएप चैट थी उसको इकट्ठा किया जा रहा है। 140 ग्रुप बने थे जिसमें हयात भी एडमिन था, उसकी जो वाइफ है वो भी एडमिन थी, कुछ सपा के नेता है वो भी एडमिन थे। तो कहीं ना कहीं पूरे सबूत जो है पुलिस एक साथ जुटाने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से जो कागजी कार्रवाई है वो आज जो है नहीं हो पाई है। जो पुलिस के अधिकारियों को कोर्ट में खुद आना था उस पर आ पाए हैं। तो कहीं ना कहीं माना जा रहा है कि पुलिस जो है बड़ी कार्रवाई की तरफ बढ़ रही है, इसीलिए आज जो है आरोपियों की पेशी यहाँ पर नहीं हो पाई है। जो रिमांड 48 घंटे का होना था वो नहीं हो पाया है। तो पुलिस जो है आज सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करेगी और कल सुबह 11:30 और 12 बजे के आसपास ही माना जा रहा है कि कोर्ट जो है भारी पुलिस बल के साथ पुलिस जो है यहाँ पहुंचेगी और आरोपी को कोर्ट में पेश करेगी। उसके बाद शाम तक जो है उनका रिमांड मंजूर हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमन तमाम जानकारी के लिए। हम चाहेंगे आप इस पर नज़र बनाए रखें और इसकी जो पल पल की अपडेट है वो हमें यूं ही पहुंचाते रहें। तो हम बात कर रहे थे कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी की, जिसकी रिमांड जो हो है उसको और लेने की कोशिश में है जो पुलिस है, और आज फिलहाल पेशी नहीं हो सकी है। हयात जफर हाशमी समेत 4 आरोपियों की कोर्ट में पेशी होनी थी जिसे फिलहाल टाल दिया गया है। कागजी कार्रवाई ना होना ये कारण बताया जा रहा है और कल पेशी होगी और पुलिस की कोशिश रहेगी किसी भी तरह जो रिमांड है वो और बढ़ाई जाए। और अगली खबर अमेठी से आ रही, हत्या के आरोप में 4